डमी कैसे है सब बच्चे कैन यू ऑल सी मी प्रॉपरली दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है ओके यस हाउ आर यू आई होप दैट सब बच्चे बिल्कुल ठीक है तंदुरुस्त हैं एंड रेडी है लास्ट टॉपिक करने के लिए जो कि आउट ऑफ न्यू एनसीआरटी वाली हमारी सीरीज में आ रहा है जैसा कि मैं आपको बता दू आउट ऑफ एनसीआरटी में जस्ट अ सेकेंड आउट ऑफ एनसीआरटी में हमारे पास ये चार पांच टॉपिक थे ये चार पांच टॉपिक थे यहाँ पर आप लिस्ट देखिए कॉकरोच न्यू टी में नहीं है लेकिन आ रहा है न्यू फैमिली न्यू एनसीआर में नहीं है लेकिन आ रहा है चिकनगनिया डेंगी एक एक लाइन है तो उससे बात नहीं बनती बट सिलेबस में है लेकिन आ रहा है फ्रॉग न्यू एनसीआर में बट एक न्यू टॉपिक था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया एनिमल टिश्यूज न्यू एनसीआर में नहीं है लेकिन आ रहा है इसके अलावा बेटा एक ही चीज बच गई थी कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ये किसका टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मैं अभी यहाँ चैट देख रही थी चैट में मुझे ये पता चला कि आधे ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता कि ये टॉपिक किस चैप्टर का है क्या हम क्लास पढ़ने वाले हैं क्या हम क्लास ट्वेल्थ पढ़ने वाले हैं तो बेटा मुझे कभी कभी ना शक हो जाता है कि क्या आप नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देने वाले हैं या फिर नीट ट्वेंटी थर्टी देने वाले हैं क्योंकि जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देने वाला है एटलीस्ट उसको चैप्टर और उसमें प्रेजेंट सब टॉपिक्स का नाम तो याद होना चाहिए हम हमारे पास सिर्फ चार महीने रह गए हैं उस चार महीने में आप ऐसी बातें करेंगे कि हमें तो टॉपिक ही नहीं पता चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा कैसे चलेगा ठीक है यूनिट का नाम है इकोलॉजी एक ट्वेल्थ क्लास का लास्ट यूनिट है बेटा जी एंड द लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी इस इकोलॉजी में आपका पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस ऑर्गेनिज्म एंड, एंड पॉपुलेशन का पहला पार्ट है

दूसरा पॉपुलेशन लेकिन अगर हम न्यू का यही चैप्टर, जिसको नंबर दिया गया है इलेवन ये चैप्टर नंबर इलेवन देखेंगे तो आपको सिर्फ पॉपुलेशन दिखाई देगा यानी कि कौन सा पोर्शन नहीं एनसीआरटी में डालना भूल गए हैं दैट इज ऑर्गेनिज्म हम आज इस पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं आई होप नाउ इट इज क्लियर सवाल नहीं पूछना कि क्या मैम न्यू एनसीआर में से काट दिया तो नहीं पढ़ना आपको अब बहुत क्लियरली इस चीज के बारे में पता होगा कि एन टी ए ने अपने ये बोल दिया है कि जो चीज हम लोग सिलेबस में लिख रहे हैं जो चीज हम लोग सिलेबस में लिख रहे हैं वो आपको पढ़नी है ये आपके सामने न्यू वाला सिलेबस है अगर तुम न्यू वाले सिलेबस में इसी इकोलॉजी यूनिट को खोल के देखोगे ये बड़ा करके देखो यूनिट इकोलॉजी ठीक है और एंड ऑर्ग्ञानिज्मी ए ने बोला है जो मैंने सिलेबस में लिख दिया है वो आएगा तो उसने लिख दिया है कि ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आएगा अब चाहे वो आपकी न्यू एनसीआरटी में है चाहे नहीं है तो देख लिया हमने भाई तुमने सिलेबस में तो डाल दिया लेकिन तुम यहाँ पे ऐड करना भूल गए हो कोई बात नहीं हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी है हम उससे पढ़ के इसको अच्छे से निपटा देंगे सो नाउ इज इट क्लियर कि आज की क्लास किससे रिलेटेड है अब तो गड़बड़ नहीं करोगे एंड बेटा इसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है ये सारे जो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स है ना जो बच्चों को नहीं समझ आ रहे पढ़ने हैं नहीं पढ़ने पढ़ने हैं ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स सब की सबकी प्लेलिस्ट है ये सब पढ़ना है अगर आप इसी यू नो चैनल के उसमें जाए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए सबसे ऊपर वाली प्लेलिस्ट चाहिए न्यू एनटीए टॉपिक्स फॉर बायोलॉजी सारे जितने भी नए हैं कंट्रोवर्शियल है कॉकरोच है फ्रॉग है चिकनगुनिया डेंगू सब मैंने इसमें डाल दिया है तो आज की क्लास ये बेटा जी इससे रिलेटेड है इज दिस नाउ क्लियर यस मेरे बच्चों बताइए क्या ये बात बिल्कुल सबको 100% समझ आई है कि नहीं आई है बताना <coughs> अच्छा इसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी थी जैसा कि आप जानते हैं टेंथ ऑफ डिसम्बर अन अकेडमी का जन्मदिन होता है बेटा आज सालों का हो गया है एंड इट्स अ ग्रेट जर्नी किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मतलब 2015 की अगर मैं बात करूं 2016 की बात करूं वेन वी स्टार्टेड मतलब उसके थोड़ा टाइम पहले ही वी स्टार्टेड टीचिंग ऑफलाइन क्योंकि तब ऑनलाइन कुछ होता नहीं था तब किसी ने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी वक्त आएगा जब दूर के गांव में अलग रिमोट एरियाज में लोग बैठे होंगे और उनको बिना पेमेंट के वही एजुकेशन मिलेगी जो लाखों रुपए देके उस समय कोटा और दिल्ली जाना पड़ता था आज के समय पर किसी बच्चे को ना कोटा जाना है ना दिल्ली जाना है ना पटना जाना है ना ही कानपुर जाना है क्योंकि सब चीजें आपके घर पे आपके मोबाइल फोन में सिर्फ एक डेटा पैक से आती हैं और उसको इस क्रांति को लाने में इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है जिसके माध्यम से आप और हम कनेक्टेड रहते हैं आप मेरे लेक्चर देख पाते हैं ये वही लेक्चर है बेटा जिसको देखने के लिए पहले बच्चा लाखों रुपए देता था आप फ्री ऑफ कॉस्ट से सारे लेक्चर अटेंड कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड सेलिब्रेटेड वी शुड फील ग्रेटफुल कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई और आपके समय में ये आ गई बहुत सारे बेटा पहले के मैं जानती हूं आई स्टिल नो मेनी स्टूडेंट्स जो कि पैसों की वजह से कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाते थे दूर दूर नहीं जा पाते थे उनके शहर में कोचिंग होता ही नहीं था और अगर होता था तो उनके पास पेमेंट नहीं होती थी जिसकी वजह से उनके डॉक्टर बनने का जो सपना था वो अधूरा रह गया है लेकिन मैं आज बहुत प्राउडली बहुत गर्व से ये बात बोल सकती हूं कि अब किसी भी बच्चे का डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना अधूरा नहीं रह सकता क्योंकि अब अगर आपके पास फाइनेंसिस नहीं है तो जज्बा होना चाहिए क्योंकि हर चीज आपको यहां पर मिलती है क्या नहीं है ट्री खोल के देखिए बेटा सीपा लिंक जस्ट डालिए गूगल पे क्या डालना है सीप पाहजा मेरा नाम है डालिए लिंक ट्री हर फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स मिलते हैं तो अब तो कोई बहाना नहीं है कि मेरा एडमिशन इस वजह से नहीं हुआ मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे या कुछ प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल था अदर प्रॉब्लम अब बेटा आप बहुत लकी हैं कि आपने इस समय जन्म लिया है आप इस समय नीट की तैयारी कर रहे हैं जब सब कुछ आपके फोन के क्लिक पर अवेलेबल है अब हाँ ये चीज मैटर करती है कि आप लोग अब इस इंटरनेट को कैसे यूज करते हो क्या आप इसका एक्चुअल में यूज कर रहे हो या फिर एनिमल की रील्स देख देख के एनिमल मूवी अर्जुन वैली अर्जुन वैली करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आपके मन में अभी भी अर्जुन वैली चल रहा है तो बेटा फिर कोई फायदा नहीं है तुम लाख रुपए लगा भी दोगे ना दो, दो लाख तीन लाख लगा दो तो भी तुम्हारे लिए वो कोचिंग भी बिल्कुल बर्बाद है ठीक है जो इसको यूज ना कर पाया बाकी आपकी इच्छा कि क्या करना है जिंदगी में अर्जुन वैली करना है या फिर यहां आके कुछ पढ़ लेना है ठीक है ये जो बच्चे पूछ रहे हैं ना कि अर्जुन वैली है क्या आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज यू आर एट राइट पास अगर आपको नहीं पता आप बहुत सुखी हैं लेकिन जिस बच्चे को पता है वो जो उस बच्चे का दुख है इसको पता क्यों है हाउ डू यू नो हाउ डेर यू नो ऑल दीज थिंग्स अगर आपको नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है बस छोड़ दो नहीं पता तो जस्ट प्रोगेटेड आपके मतलब का था भी नहीं जिसको पता है वो गलत चल रहा है बस मैं ये कहना चाह रही हूँ अगली चीज बेटा जी मुझे बतानी थी कि आज आपको पता होगा दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर मिरर मिरर टेस्ट आज बेटा आपका मेरा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है अगर मैं आपको बताऊं ये देखो ये अपना मेरा टेस्ट है आज मेरा टेस्ट का पार्ट वन है लुक एट दिस पार्ट वन मेरा टेस्ट लिंक यहां पर पिन किया हुआ है यहां दिख रहा है कुछ बच्चों को यहां दिख रहा है यानी कि चैट सेक्शन में लिंक को पिन कर दिया है तो सब बच्चों ने इस क्लास को लगाना ही लगाना है शाम को साढ़े छह बजे क्लास है यानी कि इस क्लास के आधे घंटे के बाद वो क्लास हो जाएगी इसके अलावा बेटा सिंस मैं आपको बता रही थी कि एथ एनिवर्सरी अन अकेडमी की है इस पर आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है एंड द तोहफा इज दैट यू आर गोइंग टू गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ एंड अपू सिक्स मंथ एक्सटेंशन ऑन नीट यूजी की सारी सब्सक्रिप्शन चाहे वो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की हो ठीक है प्लस हो 2025 का प्लस हो या फिर 2026 ये जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको सिक्स मंथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और साथ में अप टू 20 परसेंट ऑफ है कोड क्या लगाना है आपको सी सीप्लाइफ कोड लगाना है अपना इस ऑफर को अवेल करने के लिए और मेरी गाइडेंस के अंदर आने के लिए साथ ही में बहुत सारे क्रैश कोर्स बेटा प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहे हैं जैसे कि रफ्तार क्रैश कोर्स है इस क्रैश कोर्स में भी एडमिशन लेने के लिए और ऑफर के लिए आप लोग कोड लगाइएगा सीपलाइफ ठीक है जी इसके अलावा बेटा बहुत सारी की टेस्ट सीरीज चलती रहती है हमारे ऐप पर ये स्कैनर दिया हुआ है स्कैनर पे क्लिक करना एंड पहुंच जाना एप्लीकेशन पे ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेस्ट दे पाए चलिए मेरे बच्चों शुरू करें शुड वी स्टार्ट अब फटाफट से स्टार्ट करने से पहले मेरे बच्चों लाइक कर दो इस सेशन को ताकि अटेंडेंस आपकी आज की लग जाए अटेंडेंस लगानी बहुत जरूरी है ठीक <coughs> है अटेंडेंस इसको शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी आज मुझे मेरी ही स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया चीज भेजी लेट मी जस्ट शो यू लेट मी जस्ट शो यू हा रेडी है देखने के लिए जरा इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ <coughs> एक मिनट मैं इसको यहां लेके आती हूं यस yes. दिख रहा है हाँ जी अगर आप यहां से यहां पर देखेंगे ध्यान से दो सीढ़ियां बनी हुई हैं ठीक है आपके सामने यहाँ दो सीढ़ियां बनी हुई हैं पहली सीढ़ी जरा देखिए मी जस्ट जूम दिस एंड हाँ दिख रहा है पहली सीढ़ी बेटा देख लीजिए इनकंसिस्टेंट लैडर है ऐसा आदमी जो कि इंटेंसिटी के लिए है और ये बड़ा इनकंसिस्टेंट है कभी कभी आता है आज आया फिर दस दिन बाद फिर अचानक से उसके अंदर भूत आएगा कि यार पढ़ना शुरू कर देता हूँ फिर दस दिन बाद अचानक से भूत आएगा पढ़ना शुरू कर देता हूँ और ये लैडर जो देख रहे हैं ये लैडर है बेटा जी कंसिस्टेंट लैडर वो दस दिन बाद नहीं आता पंद्रह दिन बाद नहीं आता वो हर दिन आता है हर क्लास लगाता है हर रोज रिवाइज करता है और जब आप ये कंसिस्टेंसी की लैडर चढ़ते जाएंगे ना तो आपने देखा ही है बेटा कितना डिफरेंस है इन दोनों बच्चों में तो अब तुम चूज कर लो वेदर यू वॉन्ट टू क्लाइम द लैडर ऑफ इंटेंसिटी आएंगे और पूरी रात जाग के पूरा दिन जाग के पढ़ाई करेंगे और यू वॉन्ट टू ride द लैडर ऑफ कंसिस्टेंसी खुद डिसाइड करिए खुद डिसाइड करिए अब यहां पर आपको रिजल्ट में पहले बता रही हूं ये इंटेंसिटी के जो लैडर है कि एक दिन हम आए दो एक हफ्ता पूरा जम के पूरी रात जाग के काम किया और अपनी हेल्थ खराब कर ली और एक बच्चा डेली आठ घंटे की नींद लेता है आठ घंटे की क्लास लगाता है पांच घंटे रिवीजन करता है वो बच्चा बेटा आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी नहीं बेटा कंसिस्टेंसी की लैडर चढ़िए हर दिन काम करिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है स्टिल यू हैव हाँ गॉट टाइम ये मत सोचो कि यार मैं तो रह गया अब तो चार महीने ही बचे अब कुछ नहीं हो सकता जिस दिन तुमने इसे ये सोच लिया ना कि अब कुछ नहीं हो सकता उस दिन तो वैसे ही बेटा कुछ नहीं हो सकता उस दिन पढ़ना छोड़ देना Of May, शाम को बजे तक कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि कुछ नहीं हो सकता एब्सोल्युटली हो सकता है तुम ही करके दिखाओगे ठीक है तो अपने ऊपर भरोसा रखिए एंड आइए शुरू करते हैं टॉपिक को ठीक है चलिए तो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट और चैप्टर का नाम ऑर्गेनिज्म एंड और पॉपुलेशन चैप्टर का नाम है एंड इसमें बेटा टॉपिक है पहला जो न्यू एनसीआरटी में नहीं है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट अब वो कहते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी है हर लेवल पे बेटा जी कॉम्प्लेक्सिटी प्रस्तुत है माइक्रोमालिक्यूल लेवल पे माइक्रोमोलिक्यूल जैसे कि न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन पॉलीसेकेराइड ये सब सब है उस पर भी कॉम्प्लेक्सिटी है इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप सेल लेवल पे भी स्टडी कर सकते हो टिश्यू लेवल पे भी बढ़ते जाओ ऑर्गन ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटीज इकोसिस्टम एंड बायोम्स के लेवल पे ये कॉम्प्लेक्सिटीज आसानी से पढ़ी जा सकती हैं अब इकोलॉजी जो है इकोलॉजी क्या है इट इज द इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरमेंट कि मैं अपने एनवायरमेंट से क्या लेना देना कर रही हूं मेरा क्या इंटरैक्शन है ठीक है ये जो इकोलॉजी है इन सातों में से टोटल चार लेवल से इसका कंसर्न है किस किस लेवल से ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड बायोम से बेटा जी इसका लेना देना है अब जैसे इसमें दी दी हुई हुई, दी हुई है कि बुलबुल सुबह सुबह गाना क्यों गाती है अब इसमें दो क्वेश्चन बेटा एक आदमी पूछ सकता है हाउ 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 एंड एंड क्यों पूछा कि यार कैसे गाना गाया उसने गाना कैसे गाएगी अपने वोकल कॉर्ड से ही गाएगी और कैसे जाएगी यानी कि हाउ से आपको आंसर मिलता है कि मैकेनिज्म क्या है उसके इस प्रोसेस का तो यहां पर वॉइस बॉक्स आ जाएगा बुलबुल बुल के केस में

ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पढ़ने के पहला जिसका नाम है ऑर्गेनिज्मिक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ये ऑर्गेनिज्म में एक बंदा आता है सिंगल इंडिविजुअल अपना अपना नाम बताओ अपना नाम अपना नाम बताइए अपना अपना नाम बताइए जैसे ऑर्गेनिज्म लेवल पर सिर्फ छवि आएगी

ललित है विद्या है प्राप्ति है जॉनी है सिमरन कौर है निर्मा है ये सब बच्चे यानी कि सेम स्पीशी अपन लोग सब सेम स्पीशी के हैं ये मेरी क्लास इतनी बड़ी है, हजारों बच्चों की क्लास है मैं भी उस साथ में सेम स्पीशी ह्यूमन स्पीशी है हम लोग मिलके क्या बना देंगे हम लोग मिलके बेटा जी बना देंगे पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन में कौन आ जाएगा मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी मिलकर क्या बना देंगे पॉपुलेशन बना देंगे मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी मिलकर क्या बना देंगे पॉपुलेशन बना देंगे जैसे हमारी क्लास है हम तो पॉपुलेशन कहलाएंगे अपनी क्लास को ठीक है तीसरे नंबर पर आ जाता है कम्युनिटी कम्युनिटी ठीक है यहां पर क्या हो रही है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन जैसे कि जैसे कि एक तो हमारी क्लास है

अपने कैट um, की भी रहती है डॉग की भी रहती है सो योर जैसे कम्युनिटी प्लांट्स की भी पॉपुलेशन रह रही है तो वो क्या है अपनी कम्युनिटी है चौथे नंबर पर बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा चौथे नंबर पर आ जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जिसका नाम है इकोसिस्टम इकोसिस्टम वो होता है ऐसा एरिया जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट करते हैं अगर तुम यहां ध्यान दो ध्यान दो ऊपर तीनों में से किसी में भी एनवायरमेंट का नामो निशान नहीं है क्या ऑर्गेनिज्म में एनवायरमेंट के साथ कुछ जोड़ा नहीं पॉपुलेशन में मैंने कहीं एनवायरमेंट लिखा नहीं कम्युनिटी में कहीं एनवायरमेंट एनवायरमेंट मतलब नॉन लिविंग चीजें नॉन लिविंग जैसे कि लाइट एयर वाटर इन सब के बारे में मैंने कोई बात नहीं की लेकिन इकोसिस्टम एक पहला लेवल है जिसमें मैं बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स का इंटरैक्शन बताऊंगी यानी कि पहला लेवल है जिसमें हम हवा पानी लाइट इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे इससे पहले बात नहीं की ठीक है इससे पहले बात नहीं की दैट इज इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स ठीक है बच्चों बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स अब असल में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो पॉपुलेशन हो कम्युनिटी हो वो बिना इन्वयरमेंट से इंटरेक्ट करते हुए तो नहीं रह सकती वी ऑल्सो रिप्लाई टू क्लाइमेट वी ऑल्सो रिप्लाई टू एयर वी रिप्लाई टू टेम्परेचर बिल्कुल हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो असल में चाहे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑर्गेनिज्म है बट एक्चुअल चीज तो क्या है इको सिस्टम क्योंकि वी डू नॉट लिव इन आइसोलेशन हम अकेले बिना लाइट पानी के नहीं रहते हैं ठीक है जी असल में यही चीज है तो दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट इसको हम लोग क्या बोलते हैं

ठीक है तो वहां आके आप ले सकते हैं दूसरी चीज कल हम इकोलॉजी इकोलॉजी कह रहे हो प्लांट फिजियोलॉजी को रिज्यूम कर रहे हैं टुमोरो वी आर गोइंग तो टू डिस्कस रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलोसिस एंड क्रेब्स साइकिल क्रेब्साइकल आजाना क्लास में बैलेंस शीट बनाने सिखाऊंगी न्यूमेरिकल्स कराऊंगी कल बेटा प्लांट फिजियो जो बीच में हमने रोकी थी ना बिकॉज़ ऑफ से रिज्यूम हो जाएगी और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करेंगे पहले किया हुआ है तो दोबारा आना सुनना समझना और फिर बेटा उसको रिवाइज करके जाना यहाँ से ठीक है लैंडस्केप क्या होता है लार्जर एरिया एक बड़ा एरिया विद ओन बाउंड्री ठीक है बाउंड्री के साथ और सबसे बड़ा सबसे बड़ा अगर तुम यहां भी नोटिस करोगे मैंने किसको डाला है बायोम ऐसा एरिया जिसकी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन है जैसे कि डेजर्ट एक स्पेसिफिक टाइप के वहां पौधे आते हैं है ना? हर टाइप के प्लांट्स तो नहीं होते वहां यूफोरबिया यही सब भी प्रेजेंट होंगे सी, एक स्पेसिफिक टाइप के वेजिटेशन है, वाटर प्लांट्स और वाटर एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे तो उस लार्जर एरिया को हम लोग बोलते हैं बायोम तो बायोम क्या है इट्स अ लार्ज एरिया विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन विद स्पेसिफिक

बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या है एटमोस्फेर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फेयर ये तो हमने एस एस टी में भी पढ़ नहीं पढ़ रखा वैसे इकॉलेजीमस विद एस एस टी जो चीजें आप एस एस टी में पढ़ते हो वही इकोलॉजी में पढ़ते हो असल में वही है है ना यस ठीक है चलिए तो एनसीईआरटी में इकोलॉजी चार लेवल के बारे में चार लेवल ही बताए हैं कौन से चार ये याद रखना है एनसीआर के तभी मैंने इसको एरो लगा के लिखे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी बायोम दैट इज दैट इज ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी बायोम ओपीसीबी क्या है ओपीसीबी अभी के अभी याद करो साथ साथ ओपीसीबी ये लाइन आपको क्वेश्चन में आ सकती है कि अकॉर्डिंग अब अकॉर्डिंग टू आर तो नहीं लिखेंगे बस ये पूछेंगे इकोलॉजी डब्बे में बहुत सारी टर्म्स दी हुएंगी इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद व्हाट कौन कौन से लेवल्स आ जाएंगे तो ओपीसीबी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड बायोम्स ठीक है जी यस yes. <coughs> अगर कोई बात करें फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर ही होती है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म लेवल पर होती है अब एनसीईआरटी बेटा थोड़ा बहुत बात करती है आपके बायोम के बारे में बायोम समझ गए ना एक बहुत बड़ा एरिया जिसके पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन है ये आपको देखना है यहां से अगर आप एनसीआरटी को खोलोगे पुरानी एनसीआरटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डू दू नॉट वरी घबराने की जरूरत नहीं है जिसके पास नहीं भी है उसको ये बेटा ये नोट्स मिल जाएंगे सी पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वहां पर मिल जाएंगे अगर आप पेज नंबर टू ट्वेंटी ओल्ड एनसीआरटी का देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के बायोम दिए हुए दिस इज अ चार्ट ऑफ बायोम ठीक है कौन कौन सा बायोम दिया हुआ है डेजर्ट ग्रासलैंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर्कटिक एंड एल्पाइन टंड्रा अगर तुम ध्यान से देखोगे इन सबका एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन है यानी कि जो पौधे डेजर्ट में उगते हैं वो पौधे टीआरएफ में नहीं उगेंगे जो पाद पौधे टीआरएफ में हैं वो चीजें आर्कटिक और टंड्रा में नहीं है। तो बन गया ना बायोम बायोम वही था एक लार्ज एरिया विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेजिटेशन वेजिटेशन समझते ना प्लांट्स किस तरीके के प्लांट्स है हर जगह पर अगर तुम नोटिस करोगे अलग अलग तरीके के ही प्लांट्स प्रेजेंट हैं ठीक है ठीके? अलग अलग तरीके के प्लांट्स प्रेजेंट हैं ठीक है अब यहां पर दो चीजों में, में बेटा एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ पहला मीन एनुअल टेम्परेचर दूसरा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन ये दो चीजें ही जज करती हैं कि वहां पर कैसा पौधा और कैसे एनिमल्स रहेंगे यानी कि कैसा टेम्परेचर है दैट विल ऑब्वियसली जज कि व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स विल सरवाइव एंड कितना प्रेसिपिटेशन मतलब कितनी बारिश गिरती है दैट वाज आल्सो जस्ट कि वहां पर कैसी वेजिटेशन होगी सबसे पहले देखो डेजर्ट को डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है गर्मी होती है देखो ऊपर तक जा रहा है लेकिन बारिश भी बहुत कम होती है यहीं पे रुक गया सेंटीमीटर तक ही बारिश हुई यहीं पर रुक गया देन बेटा जी आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखिए टेम्परेचर ऑप्टिमम सा है और बारिश भी खूब होती है बारिश खूब होती है तो काफी वेजिटेशन यहाँ पर होगी देन आप देखिए कितना कम टेम्परेचर जीरो डिग्री जीरो डिग्री टेम्परेचर पे प्लांट सरवाइव करते हैं और बारिश का भी जो लेवल है, है। अराउंड भी बेटा ज्यादा सेंटीमीटरचर नहीं जा रहा है टेम्परेचर भी थोड़ा ठंड में होता है बीस तक जा रहा है बेटा टेम्परेचर एंड रेनफॉल कितनी जा रही है टू तक जा रही है अब बेटा यहाँ से मुझे पता चलता है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इन सब में से किस बायोम की है <coughs> सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इन सब में से किस बायोम की है यस <coughs> टीआरएफ yes. अगर तुम देखोगे इतनी ज्यादा उसमें रेनफॉल तक का लेवल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 170 टू 420 दिस इज दैट टाइप ऑफ बायोम व्हिच हैज गॉट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम वैरायटी ऑफ प्लांट्स बेटा यहां पर है तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है काफी ज्यादा है प्रोडक्टिविटी ठीक है जी सबसे कम प्रोडक्टिविटी ऑब्बियसली बात है यहां बहुत कम टाइप के प्लांट्स प्लांट होते हैं सो दिस हैज गॉट लीस्ट प्रोडक्टिविटी लो बोलेंगे नॉट लीस्ट लो प्रोडक्टिविटी लीस्ट तो नीचे टुंड्रा की आएगी लो प्रोडक्टिविटी एंड बेटा नीचे आ जाइए इनकी मिनिमम प्रोडक्टिविटी बहुत ठंड में है ना यहाँ प्लांट जनरली सर्वाइव नहीं कर पाते मिनिमम प्रोडक्टिविटी बेटे ठीक है जी यस हो गया अब बेटा इसके अलावा इंडिया में ये तो उसने बात कर ली एनसीआरटी ने कि मेजर बायोम्स कौन से हैं इंडिया में कौन से चार तरीके के बायोम्स आपको मिलते हैं अगेन नेक्स्ट जो इमेज दी हुई है एनसीआरटी में दिस वी हैव टू लर्न अगर तुम ध्यान से इसका टाइटल देखोगे दीज आर मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया कौन कौन से बायोम्स है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट डेजर्ट एंड सी कोस्ट ये भी आपको सवाल आ सकता है कि इंडिया में कौन से चार तरीके के बायोम्स है? ये इंडिया नहीं था दिस वॉज नॉट इंडिया में अगर बात करेंगे, तो टोटली चार तरीके के आपके पास बायोम्स मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देन यू हैव गॉट डेडुअस देन रिकॉग्नाइज करना भी आ सकता है बेटा डेजर्ट एंड सी कोस्ट याद रहेगा याद रहेगा मेरे बच्चों <coughs> अब अगर तुम देख रहे हो कि हमारे इंडिया में कितनी वेरिएशन है हर जगह पे अलग टाइप का यू नो फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन है एक लाइन पूछती है यस yes, मैं इसी लाइन का यहाँ आंसर देने वाली हूँ एनसीआरटी ने पूछा व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट है ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर जिसकी वजह से अलग हैबिटेट के अलग अलगिकल इज ऑफ एंड टेम्परेचर गर्मी इतनी ज्यादा और बारिश नहीं हो रही किस वजह से इतनी वेरिएशन आई तो अगर तुमसे कोई ये सवाल एज इट इज एनसीआर का सवाल पूछ ले तो तुम बोलोगे हाँ मैं बताती हूँ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोल करती है टेम्परेचर वहां का टेम्परेचर कैसा है? वहां पर पानी की सुविधा कितनी है वहां की लाइट सोर्स वहां पर मतलब सन कितना निकलता है लाइट कैसी है एंड बेटा जी वहां की सॉइल कैसी है तो ये चार चीजें टेम्परेचर वॉटर लाइट सॉइल दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो कि बेटा कंट्रोल करेंगे किसी भी हैबिटेट का केमिकल या फिर फिजिकल कंडीशन ठीक है जी यस yes. अब इस पैराग्राफ में किसके बारे में बात की है अगेन इस पे भी पीवाई क्यू आ चुका है इसको मैं यहां पर बताती हूँ इस पैराग्राफ में बात की अबाउट टू थिंग्स एक है तुम्हारा पता पते को क्या बोलते हैं हैबिटेट एड्रेस होता ना हैबिटेट दूसरा वर्ड आता है निश दिस इज नॉट नीचे मैंने देखा एक बच्चों को बोलते हुए इसको ये, इस ये स्पेलिंग लिखे तो कह रहा नीचे बेटा अगर आपने इसको नीचे बोल दिया ना तो आप बहुत बच्चों से नीचे ही हो जाएंगे ठीक है तो ये नीचे नहीं है निश प्रनाशन इज लाइक दिस ठीक है नीचे नहीं है ओके तो एक वर्ड होता है बेटा हैबिटेट दूसरा वर्ड होता है हैबिटेट का मतलब है आप कहां रहते हैं आपका मोहल्ला क्या है फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं दिल्ली की लाजपत नगर में रहती हूं तो ये मेरा क्या हो गया हैबिटेट ठीक है वहां का आ, मेरा घर भी है जो कि ए बायोटिक है वहां एक अलग टाइप का टेम्परेचर है अलग रेनफॉल है और वहां मेरे आसपास लोग भी हैं तो वो बायोटिक यानी कि हैबिटेट में जब आप अपना मोहल्ला बताते हो यानी कि हैबिटेट मींस एड्रेस इस एड्रेस में मैंने बताया मैं लाजपत नगर में रहती हूँ मैं रहती नहीं हूँ जस्ट मैंने एग्जाम्पल में बताया मैं लाजपत नगर अगर रहती हूँ तो लाजपत नगर में ए बायोटिक फैक्टर भी आ जाएंगे यानी कि एड्रेस में ए बायोटिक फैक्टर जैसे कि हवा पानी सॉइल वहां का एक स्पेसिफिक सॉइल होगा वहां पर अलग टाइप अलग, अलग अमाउंट में वाटर प्रेसिपिटेट होता होगा अलग अमाउंट की लाइट आती होगी सब आ गया ठीक है साथ ही में क्या आ जाता है बायोटिक फैक्टर भी आ जाते हैं हैबिटेट में है ना लाजपत नगर में मैं अकेली तो रहती नहीं हूँ वहां डॉग भी होगा काउ भी होगा कैट भी होगा और डिफरेंट अदर टाइप के ह्यूमन बींगस भी होंगे और अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं पैरासाइट्स होंगे पैथोजन होंगे कॉम्पिटेटर्स होंगे सब कुछ होगा ठीक है जी यानी कि जब मैं किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट की बात करती हूँ तो हम लोग बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर दोनों साथ में लेके चलते हैं लेकिन निश क्या है निश बेटा हैबिटेट तो है ही है वो ये भी बताता है कि तुम काम क्या करते हो मैं लाजपत नगर में रहती हूँ और मेरा वहां बुटीक है कपड़े सिलती हूं या सिलवाती हूं डिजाइन करती हूं आई डिजाइन क्लोथ्स तो ये मेरा क्या बन जाएगा निश बन जाएगा निश इज लाइक सीवी जब मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाती हूँ अगर आपने कभी भी सीवी देखा है सीवी यानी कि रेज्यू रिज्यूमे या सीवी जब आप नई कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना यू है न, resume. उस रेज्यू में क्या होता है आपका एड्रेस लिखा होता है कि भाई बंदा याद रहता है ये भी तो लिखोगे मेरे को आता क्या है स्किल क्या है मेरी मैं पढ़ा सकता हूं मैंने ये किया हुआ है दैट बिकम्स योर निश ठीक है निश्च दैट इज रेंज ऑफ कंडीशन

प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करता हूं वो उसका फंक्शन आ गया तो हैबिटेट मतलब सिर्फ उस जगह में कौन जगह क्या है और साथ में कौन से बायोटिक है ने है निश बताएगा साथ में उसका रोल क्या है इको सिस्टम में ठीक है जी यस yes. तो निश विल टेल अबाउट द फंक्शनल रोल की काम क्या है फंक्शनल रोल इन इको सिस्टम ठीक है क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस इट यूटिलाइजेस और बेटा जी ये बताता है वो ऑर्गेनिज्म कौन सी कंडीशन को टॉलरेट करता है रेंज ऑफ कंडीशन दैट ठीक है बच्चों डिफरेंस पता चल गया और निश में एक बार यहां से देख लो यही बात कर रहे हैं सो रीड करो ओके वी मस्ट रिमेंबर द फिजिको केमिकल यानी कि ए Components alone do not characterize the habitat. बिल्कुल सही बात है। सिर्फ हवा पानी नहीं आएगा। Excuse me. कौन याद कर रहा है? हाँ जी साथ ही में बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि पैथोजन पैरासाइटेटर कॉम्पिटेटर ये सब भी किसमें आ जाएंगे? हैबिटेट का ही पार्ट है

ध्यान रखना दो स्पीशी का हैबिटेट तो एक हो सकता है लेकिन उनका काम एक नहीं हो सकता ना है ना यानी कि नो टू स्पीशी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन नो टू स्पीशीज इन सेम हैबिटेट मैं कह रही हूं दो स्पीशी हैं, जिनका हैबिटेट सेम है लेकिन उनका निश सेम नहीं होगा नो टू स्पीशी इन सेम हैबिटेट शेयर सेम निश ठीक है

हम लोग दो चीजों के बारे में बात करते हैं फर्स्ट वन इज बायोटिक सेकेंड वन इज ए बायोटिकायोटिक सेकेंड वन इज ए बायोटिक ए बायोटिक बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें तीन चीजें आती हैं क्लाइमेटिक फैक्टर ओ देख रहे हो एक बच्चे ने मुझे सजेशन भी दिया कि मैम आप ना ग्लव्स पहनो पता नहीं बच्चा अभी देख रहा है या नहीं देख रहा क्लास उसने मुझे सजेशन दिया आपका ये जो पेन हरकते करता है ना टोपोग्राफिक तो उसके लिए आप क्या करिए ग्लव्स पहनिए गुड आइडिया बट मुझे बेटा ऐसा लगता है इट इज नॉट बिकॉज कि मेरा हैंड कहीं टच कर रहा है या आईपैड पे कुछ ऐसा हो रहा है मुझे ऐसा लगता है इट इज प्रॉब्लम विद आईपैड ओनली प्रॉबेबली आई नीड टू री इट मैंने बहुत से इसको री नहीं किया तो कई बार बेटा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजों का सोल्यूशन होता है रिबूट है ना कई बार आप भी अटक जाते हैं किसी ना किसी चीज में तो सिंपल सा सोल्यूशन होता है ब्रेक लीजिए रेस्ट कीजिए दोबारा सोचिए सोल्यूशन मिलेगा मुझे लगता है इस आईपैड को भी ब्रेक चाहिए बेचारा ना जब से आया मैंने आई हैव नॉट री स्टार्ट इट ये स्टार्ट ही होता है बस हर समय बस चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है तो मे बी इफ आई री स्टार्ट दिस ऐप और दिस होल डिवाइस तो प्रॉबेबली ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ठीक है चलो शुरू करते हैं बेटा कौन कौन से फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपके पास आ जाते हैं लाइट टेम्परेचर जो हम डिस्कस करेंगे एयर वाटर एडिफिक फैक्टर किससे रिलेटेड होते हैं सॉइल टोपोग्राफिक बेटा स्लोप एंड ऑल्टीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड पहाड़ों पे हो प्लेन्स पे हो कहां पर हो दैट इज योर टोपोग्राफिक फैक्टर ठीक है और ये सारे ए बायोटिक फैक्टर कंट्रोल करेंगे कि वहां पे बायोटिक कम्युनिटी कैसी आएगी क्या बायोटिक कम्युनिटी मतलब किस टाइप के प्लांट्स आएंगे और किस टाइप के ही एनिमल्स वहां पर सर्वाइव करेंगे ठीक है चलो अब मेजर ए बायोटिक फैक्टर इन सब में से मेजर अगर मुझे लिखना हो तो मैं चार का नाम लिखूंगी यस मेजर ए बायोटिक फैक्टर कौन से हैं मेरे पास लाइट है टेम्परेचर है वॉटर है एंड सॉइल एनसीआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं बेटा सबसे मेजर ए बायोटिक फैक्टर मेरे पास कौन सा है टेम्परेचर दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर जो कंट्रोल करता है कि, कि किसी भी एरिया का वेजिटेशन कैसा होगा अब इसके बाद किसका नंबर आएगा टेम्परेचर नंबर वन पे है इसके बाद नंबर आएगा पानी का दिस इज सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ठीक है बच्चों तो सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ेंगे फिर पानी पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा सॉयल और थोड़ी सी लाइट पढ़ लेंगे आर यू रेडी आर यू मी या फिर इधर उधर अर्जुन वैली कर रहे हैं नहीं मैम हम अर्जुन वैली नहीं हम तो मोए मोए कर रहे हैं है ना कितना मजा आया आपको मोए मोए देखकर <laughs> एंड मुझे अब मेरी प्लस क्लास में ही बच्चों ने सजेस्ट किया था कि मोय मोय नाम का एक ट्रेंड चल रहा है दैट इज व्हाई आई सॉ दैट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वाज शॉक टू सी द काइंड ऑफ वीडियोस जो मोय मोय में आ रही थी क्या वीडियो है हाथ से लिख लो वो कह रहा है कि मेरे हाथ ही नहीं है चल के ले लो ओ मेरे तो पैर ही नहीं है मोय मोय हो गया व्हाट इज बेटा टाइम ना ये न... ये मोह मोह पांच मे को बेटा याद रखा करो फिफ्थ ऑफ मे डेट चेंज नहीं होगा वो ये नहीं कहेंगे कि ये मोए मोए बैच है इसके लिए पेपर जरा थोड़ा डिले कर दे पेपर को आसान कर दे आपके लिए कट ऑफ जो है वो पांच सौ गिरा दें ठीक है विल दे डू दैट कि ये तो की बच्चे हैं इनके लिए पेपर भी थोड़ा डिले कर देते दो बारी पेपर कराते हैं साल में नो वन इज गोइंग टू डू पेपर टफ भी हो सकता है इजी भी हो सकता है और कैसा भी हो Doesn't matter. मैटर द ओनली थिंग दैट is इज योर कंसिस्टेंसी प्लस योर work. अगर मेहनत करोगे तो कितना टफ पेपर हो तो भी निकाल जाओगे लेकिन अगर मोए मोए करते रहे तो बस फिर बेटा मोह में ही जिंदगी निकल जाएगी कोई बात नहीं इतना टाइम दो महीने हो गए आपको मोए मोहे करते हुए चार ही तो बचे ओनली फोर कोई बात नहीं फोर भी हो जाएंगे निकल जाएंगे क्या दिक्कत है मोए <laughs> मोए तो करना है दुन 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 दुन। दुन। बस गाना ही तो सुनना है और उसपे ऐसे ऐसे करके रील्स बना लेनी और क्या करते हो ठीक है सो so, सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में खास बात क्या है कि मोस्ट है जैसा कि मैंने ऊपर लिखा दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि बेटा आपकी बॉडी आप जिंदा क्यों है बायोमोलिक्यूल में एक लाइन पढ़ी थी हमने लिविंग स्टेट इज सनोनस विद मेटाबोलिज्म आप जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि आपके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं है कि नहीं और फिर हमने जब लिविंग वर्ल्ड अभी पढ़ा इज लिविंग पढ़ा तो इज लिविंग में आपको याद है हमने डिफाइनिंग फीचर किए थे उसमें क्या मेटाबोलिज्म फीचर था या नहीं था बताओ क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर था बिल्कुल मेटाबॉलिज्म वाज अ डिफाइनिंग फीचर यानी कि अगर कोई आदमी जिंदा है तो अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से है. और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये एंजाइम डिपेंडेंट है ठीक है और ये जो एंजाइम है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो तुम समझ रहे हो तुम जिंदा क्यों हो ध्यान दो कितनी बढ़िया चीज बन गए तुम जिंदा क्यों हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी क्या करती है मेटाबॉलिज्म करती है तुमने मेटाबॉलिज्म क्यों किया क्योंकि तुम्हारे अंदर हुई रिएक्शन यही होता है टोटल ऑफ रिएक्शन ये जो रिएक्शंस हैं, दीज आर एंजाइम कंट्रोल्ड ये सारी रिएक्शन एंजाइम कंट्रोल्ड है एंड एंजाइम्स दे आर कंट्रोल्ड बाय टेंपरेचर तो बात बन गई तो वाई टेम्परेचर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर बिकॉज इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है जी तो ये एंजाइम की फंक्शनिंग कंट्रोल करता है सो इट कंट्रोल्स कंट्रोल्स एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक काइनेटिक्स, ठीक है जी यानी कि अगर इसने एंजाइम को देखो तुम ध्यान से देखो टेम्परेचर ने एंजाइम को कंट्रोल किया एंजाइम किस कंट्रोल करेगा मेटाबोलिज्म विच वेल कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ठीक है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ठीक मेरे बच्चों यस चलिए <coughs> जैसा कि हमने यहां पर नोटिस भी किया है कि बहुत जो डीप सी जहां पर बेटा टेम्परेचर बहुत कम होता है सब जीरो टेम्परेचर है वहां पर आपको पोलर एरियाज मिलेंगे ठीक है यस जहां पर टेम्परेचर कहाँ चला जाता है सब जीरो जीरो से भी नीचे और अगर कोई एरिया है जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट यहाँ पे तो बहुत बेटा बहुत, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे आर के बैक्टीरिया मिलेंगे तो भाई जैसा टेम्परेचर होगा उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म आपको वहां पर मिलेगा अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं विच टॉलरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर

जिंदा रह लोगे कहेंगे मैम हमारा तो ड्रीम है आप किसी भी मौसम में ले चलो बस ले चलो ना हमने जयपुर देखा है ना हमने ले लद्दाख देखा है हमें तो दिखा लाओ तुम तो वैसे ही बेटा ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर के हिसाब से टू टाइप्स में डिवाइड किया है क्लासिफाई अगर मैं करूं तो बेसिकली टू टाइप्स में बेटा जी हमने क्लासिफाई किया है वन इज कॉल्ड एज टीनोथर्मल टीनोथर्मल सेकेंड वन इज कॉल्ड एज यूरी थर्मल स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल ठीक है जी स्टीनोथर्मल वो होता है विच टॉलरेट, विच कैन टॉलरेट नारो रेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज। यानी कि उनको ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जहां भी वर्ड आ जाए यूरी यानी कि दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर है कि नहीं रेंज ऑफ टेम्परेचर कौन है हम हम लोग वाइड रेंज टॉलरेट कर सकते हैं इसका एक concept मैंने आपको ना एनिमल किंगडम में पढ़ाया था कि जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उनको फर्क नहीं है कि हम गर्मी में हैं या ठंडी में हैं टेम्परेचर कम है ज्यादा है उनके बॉडी में इंटरनल क्या चलता है इंटरनल क्या चलता है डू is इज Maintaining इंटरनल environment constant. और ये होम्योस्टैसिस क्यों हो रहा था एनिमल किंगडम वालों बताया था ये होम्योस्टैसिस बेटा जी उसी में चलता है उसी में चलता है जिसके हार्ट में प्रॉपर सेपरेशन हो ऑक्सीजनेटेड की इधर ऑक्सीजनेटेड होता है और इधर इधर डीऑक्सीजनेटेड होता, होता है जिसमें प्रॉपर सेपरेशन होती है ना बेटा ऑक्सीजनेटेड टॉलरेट वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं भाई अगर मैं ले लद्दाख जाऊंगी तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर तब भी थर्टी सेवन है मैं जयपुर जाऊंगी गर्मियों में तब भी थर्टी सेवन ही रहेगा तो हम लोग क्या है हम लोग यूरीथर्मल है वी कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ठीक है इसीलिए हम लोग क्या है वॉर्म ब्लडेड की कैटेगरी में आते हैं वॉर्म ब्लडेड समझ आया वॉर्म ब्लडेड जबकि इधर की बात करें यहां पर आ जाएंगे कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड क्यों क्योंकि इनमें होम्योस्टास नहीं होती होमियोस्टास यहां पर एबसेंट है एग्जाम्पल हेयर इज लेजर्ड रेप्टाइल अदर रेप्टाइल्स ठीक मेरे बच्चों क्लियर है तो जहां पर प्रेजेंट होगी वही लोग वाइड क्लियर? क्लियर? हम तो धरती में रहते हैं वो एस एस टी वाली धरती आ जाओ ग्लोब है सबके घर में बहुत लोगों के घर में होता है टेंथ क्लास में लोग खरीदते हैं ये आपका ग्लोब है पूरा अर्थ अर्थ है अर्थ पे आप जानते हैं सेंटर में एक लाइन चलती है इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ तुम्हारी एस की नॉलेज यूज करो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेटर ठीक है इक्वेटर तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं तो हम किस रीजन में पहुंच जाते हैं पोल्स ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल जैसे जैसे बेटा तुम इक्वेटर से दूर जाते हो ठंडी बढ़ती है कि गर्मी बढ़ती है बताओ ठंडी बढ़ती है कि गर्मी बढ़ती है बेटा जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाते हैं जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज होता है ये देखो जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज होता है होता कि नहीं होता है देख लो तुम वो पोलर रीजन में बेटा आपने आर्कटिक एरिया अंटार्कटिका, कितनी ठंड होती है बर्फ ही बर्फ पूरा साल बर्फ चलती है वहां ठीक है लेकिन जब तुम इक्वेटर में आओगे इंडिया में से ही बेटा इक्वेटर पास होता है वाई इंडिया इज सो मच डाइवर्स वन ऑफ द रीजन इज इंडिया में से इक्वेटर पास होता है एंड यहाँ पर टेम्परेचर रेनफॉल ऑप्टिमम होती है इक्वेटर वाले रीजन में तो वेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है ठीक है वेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है अब टेम्परेचर के हिसाब से बेटा डिसाइड होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पर जिंदा रहेगा हर ऑर्गेनिज्म हर जगह नहीं रहेगा अब आम के पेड़ है बताओ आम के पेड़ है क्या कैनेडा में उगेंगे कैनेडा कहाँ है कैनेडा बेटा जी ठंड में इक्वेटर से ऊपर है इक्वेटर नहीं आता वहां से अब जैसे मैंगो है आम का पेड़ है ये ट्रॉपिकल एरिया में ही पाया जाता है दिस इज ट्रॉपिकल बेटा जी दिस ये ये और ये ट्रॉपिकल है इससे ऊपर जाओगे ये और ये टेम्परेट है और फिर ऊपर वाला रीजन क्या है पोलर रीजन अब आम के पेड़ तो ट्रॉपिक्स में ही पाए जाएंगे ट्रॉपिक्स यानी कि ये वाला हिस्सा दिस इज द ट्रॉपिक्स कैनेडा में नहीं पाए जाएंगे नॉट इन कैनेडा नॉट इन कैनेडा कैनेडा में तो बहुत ठंड होती है वहां का आम हाँ आएगा उनको इंडिया से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा देखो ना क्या कर रहा है पेन नहीं चाहता कि हम लोग लिखें कह रहा है बस कथा सुना दो हो जाएगा जैसे कि ट्यूना फिश है जो ट्यूना फिश भी है ना वो भी ट्रॉपिकल फिश है ट्रॉपिकल फिश है अब जो स्नो लेपर्ड है स्नो लेपर्ड है अब वो एरिया में होगा उसके नाम में स्नो आ रहा है तो ठंडी ठंडी में में होगा यानी कि एरिया बात कर ली है फटाफट से एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टू तो पोल्स ठीक है फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन आल्सो इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया टू वेरी हाई मोर देन डिग्री इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन समर अभी क्या कह रहे हैं यूनिक सच एज थर्मल स्प्रिंग्स डीप डीपसी हाइड्रोथर्मल बेंड इसमें तो एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री तक चला जाता है इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री डू नॉट और कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा जर्मनी अब जिन कंट्रीज में बहुत ठंड होती है वहां आम के पेड़ नहीं उगेंगे क्योंकि आम के पेड़ को ठंडी नहीं नॉर्मल ट्रॉपिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट केरला में गर्मी होती है बेटा वहां ठंडी पड़ती नहीं है स्टोल को बर्फ चाहिए ठंडी चाहिए सब जीरो टेम्परेचर चाहिए तो नहीं मिलेगा वहां पर फिश आर रेयरली कॉट बिसाइड्स योर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशन यू कैन रेडिली अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रही थी हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा स्टीनोथर्मल होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म यूरीथर्मल होते हैं ये हमने कर लिया अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रही थी

बताओ <coughs> अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो क्या स्पीशी का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा एब्सल्यूटली ये डिस्टर्ब होगा कैसे डिस्टर्ब होगा ऐसे होगा देखिए अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई देखो ये तो ट्रॉपिक्स थे ये कौन से थे ट्रॉपिकल रीजन था ये ऊपर कौन से थे टेम्परेट अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो क्या होगा कि टेम्परेट भी ट्रॉपिकल बन जाएंगे ट्रॉपिकल माने गर्मी अगर तुम टेम्परेट में जा रहे हो मतलब सर्दी में जा रहे हो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो टेम्परेट भी कल को ट्रॉपिकल बन जाएगा जहां पहले ठंडी होती थी मतलब वहां भी गर्मी होनी शुरू हो गई है आपने नोटिस ही किया होगा बेटा ठंड अब ठंड का सीजन ना कम हो गया आप तो शायद मतलब आपने नोटिस नहीं किया मैंने बहुत ड्रास्टिकली नोटिस किया बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू बी ऑफ योर एज ना उस समय बहुत कड़ाकेदार ठंड पड़ती थी बेटा। अब तो मुझे लगता है कोई ज्यादा गर्म कपड़े पहनता ही नहीं है नॉर्दर्न इंडिया में भी बता रही हूँ देर इज नॉट मच ठंड की टोपी पहनने मंकी कैप पहले ट्रेंड होता था बेटा मंकी कैप पहनते थे एंड कंबल ओढ़ के लोग चल रहे हैं अब ठंड वैसे ही कम हो गई है ठंड कम होना मतलब क्या एनुअल चर बढ़ चुका है यानी कि जहां पर जो ठंड होती थी वो भी अब धीरे धीरे ट्रॉपिकल में हो रहा है और अगर टेम्परेट से ट्रौपिक हुए तो वहां के जो स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज हो जाएगी ठीक है वो भी चेंज हो जाएगी चलो तो आंसर चला जाएगा उसका ये yes. तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इससे अगले फैक्टर पे चलते हैं दैट इज कॉल्ड एज वॉटर दैट इज बेटा बेटा जी कॉल्ड एज वॉटर ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ठीक है जी पानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज पानी इज द मीडियम ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही है उसका मीडियम तो क्या है पानी है सो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ बेसिस ऑफ लाइफ ठीक है इट 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 इज अ मीडियम फॉर ऑल रिएक्शन ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अफेक्ट प्रोडक्टिविटी अगर प्लांट को बेटा पानी नहीं मिला तो प्लांट प्रोडक्टिव नहीं होगा ठीक है जी अब पानी की क्वालिटी कैसी है क्वालिटी का मतलब होता है पानी का पीएच और उसमें सॉल्ट लेवल कैसा है तो मैटर करता है ना बेटा जिस टाइप का पीएच होगा उसी टाइप के प्लांट्स होंगे एंड द सेलिनिटी उसमें सॉल्ट लेवल क्या है जो salinity है न, ये है 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 ना हम explain करते हैं parts per thousand में में नहीं ठीक जी आपको तीन वो दिए हुए हैं तीन टाइप के यू you नो know, वाटर दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग का सेलिनिटी लेवल बताया हुआ है जो हमें याद करना है फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर इज इनलैंड वाटर ये आपको याद करना है सी वाटर एंड थर्ड वन इज हाइपर सेलिन लगून हाइपर सेलिन ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होगा सीधी सी बात है समुद्र में होता है और इसका नाम ही नामिन है यानी कि सबसे कम सॉल्ट इसमें होगा एंड जैसे नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा अगर मैं इनलैंड वाटर ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा इज इज लेवल लेस देन पीपीटी सी वॉटर में थर्टी टू थर्टी फाइव पीपीटी पार्ट पर थाउजेंड एंडपर सेलिन में मोर देन हंड्रेड दिस इज मोर देन हंड्रेड पीपीटी दिस डेटा वी हैव टू लर्न इट इज गिवन इन योर एनसीआर कि किस जगह की वाटर बॉडी में कितना सॉल्ट का लेवल है और इसी सिल के बेसिस पर भी दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं यस स्टीनो हेलाइन एंड यूरी हेलाइन सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आसान है ना बताना यूरी हेलाइन तीनो हैलाइन वो होगा जो कि नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी उसी जगह पर रहते हैं जैसे शार्क शार्क को बेटा उसी रेंज ऑफ सेलिनिटी में रहने उसे कम में ले आओगे इट वोंट सर्वाइव विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी यूरी हेलाइन कौन से होंगे टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी तीनों हेलाइन में एग्जाम्पल आ जाएगी शार्क्स यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगी सोलमन फिश यस yes, मेरे बच्चों क्लियर हो गया गुड इवनिंग अमन पटेल काफी ज्यादा लेट आए हो क्या बात है क्या कर रहे थे मोय मोए अब ये अब मुझे यही लगेगा कि तुम लोग क्या करते हो घर पे बैठ के जब क्लास नहीं होती मोय मोए मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो डांस करना शुरू कर दिया ठीक है तो दो हो गए हमारे एबायोटिक फैक्टर तीसरा एबायोटिक फैक्टर लिखने वाली हूँ लाइट लाइट बेटा तीन चीजें हैं मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइट मैंने लाइट में बताया था तीन चीजें बेटा जी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट कर सकती हैं पहला बताया था क्वालिटी ऑफ लाइट प्लांट हर रेंज ऑफ लाइट तो यूज नहीं करते विब गो से सात सौ नैनोमीटर ही यूज करते हैं दैट इज क्वालिटी देन ड्यूरेशन वही वही तीन चीजें लिखूंगी एंड तीसरी आती है इंटेंसिटी ठीक है क्वालिटी ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी क्वालिटी में क्या आ जाएगा कि प्लांट्स जो हैं वो यूज करते हैं पार फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वेवलेंथ क्या है 400 हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर स्पेक्ट्रम कौन सा है विजिबल स्पेक्ट्रम ड्यूरेशन को बेटा बोलते हैं फोटो पीरियड फोटो पीरियड अब कितनी देर तक लाइट अवेलेबल है दैट कंट्रोल्स की फ्लावरिंग होगी या फिर नहीं होगी सो फोटो पीरियड में दो चीजें कंट्रोल होती हैं अगर मैं प्लांट्स की बात करूं इट इज गोइंग टू कंट्रोल द फ्लावरिंग पैटर्न फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी एनिमल्स की बात करें तो कितनी देर तक लाइट है दैट विल डिपेंड द ब्रीडिंग सीजनल ब्रीडर्स ठीक है बच्चों सीजनल ब्रीडर्स यस इंटेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट इंटेंसिटी बेटा सीधा सीधा हमने देखा था कितना क्वान लाइट जा रही है इट इम्पैक्ट दी इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट जरा देख लेते हैं एक लेक में एक लेक में लेक में बेटा जी लाइट जोनेशन करने वाली हूं अब आपको पता है एक लेक में ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा लाइट जाएगी नीचे वाले हिस्से में कम लाइट जाएगी तो लेट एस जस्ट है ठीक है ये पानी है लेक में बताओ सबसे ज्यादा लाइट किस पे पड़ेगी सबसे ज्यादा लाइट किस में पड़ेगी इस एरिया में ये जो एरिया सबसे शैलो है ये देख रहे हो वेरी शैलो रीजन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ये होगी शैलो है ना लिट्टोरल जोन दिस इज कॉल्ड वाला जो जोन जो दिखाई दे रहा है जोन जोन इस में मैक्सिमम लाइट आ रही है लाइट ज्यादा है तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी भी इसकी रहेगी और ये जोन काफी ज्यादा शैलो है डीप नहीं है ठीक है डीप नहीं है अब ये वाला जोन देखो लेक में इसको तो रुको मैं इधर डाल देती हूं हाँ जी ये वाला जोन देखिए बेटा जी दिस वन दिस इज क्वाइट डीप जोन इसका नाम है लिमनेटिक जोन क्या नाम है बच्चों लिमनेटिक जोन इस लिमनेटिक जोन में भी सबसे ऊपर लाइट ज्यादा होएगी फिर मिडल में कम होएगी और सबसे नीचे तो नो no लाइट समझ रहे हो इसमें भी मैं तीन हिस्सों में डिवाइड कर देती हूं हिस्सा नंबर वन हिस्सा नंबर टू एंड हिस्सा नंबर थ्री हिस्सा नंबर वन स्टैंड फॉर यूफोटिक जोन

नो लाइट लाइट नहीं बढ़ेगी और सबसे नीचे बिल्कुल जो चपटा हुआ है लगा हुआ है यू नो ग्राउंड के साथ दैट इज कॉल्ड एज बेंथिक जोन इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों बेंथिक जोन ठीक है जी यस yes. अब बेंथिक जोन में कंप्लीट डार्कनेस है देयर इज पूरा का पूरा डार्कनेस समझ रहे हो तो देयर इज कंप्लीट डार्कनेस इन दिस बेंथिक जोन इसको मैं छोटा कर देती हूं ताकि आपको दिखे हाँ जी दिख रहे हैं अब दिख जाएगा यस yes. <coughs> अब इस जगह पर बेटा जी लाइट क्या होगी लाइट क्या होगी सबसे कम ऑलमोस्ट एबसेंट क्या कोई फोटोसिंथेसिस करेगा हाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि यहां पर कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं रेड एल्गी रहती है ये यह यहां पर फोटोसिंथेसिस करती है क्यों करती है बिकॉज ऑफ फाइको क्यों करती है बिकॉज ऑफ फाइको ठीक है मेरे बच्चों यहां पर फोटोसिंथेसिस करती है होता है कौन रह रहे सिर्फ रेड एल्गी के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रह रहे, रहे हैं चलो अब लाइट के हिसाब से बेटा दो क्लासिफिकेशन बताऊंगी बहुत आसान चैप्टर है मतलब इट इज जनरली लाइक हम एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं एंड नॉर्मल बात कर रहे हैं दो क्लासिफिकेशन बताऊंगी लाइट से रिलेटेड पहली क्लासिफिकेशन प्लांट्स <clears throat> की तो लाइट के हिसाब से मेरे पास दो तरीके के प्लांट्स हैं फर्स्ट वन इज सन लविंग जिनको बड़ा प्यार होता है इनको हम लोग बोलते हैं हीलियोफाइट किससे प्यार होता है सन से So they are called as heliophytes that they are sun loving then जिनको छांव चाहिए छांव से प्यार है इनको बोलते हैं are, are shade loving ठीक है बच्चों ये क्या है शेड लविंग जैसे कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट घुसे रहते हैं ना ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट आर शेड लविंग प्लांट्स देखो मना कर रहा है पेन चलने से क्या करें फाइट्स ठीक चलिए और एनिमल्सा जी दो जगह मैं और क्लासीफाई कर सकती हूँ इन जो डायरनल एंड नॉकटर्नल सॉरी एनिमल्स क्लासिफाई ऊपर प्लांट को किया यहाँ एनिमल्स को कर रही हूँ लाइट के हिसाब से जो दिन में एक्टिव होते हैं हमारी तरह वी आर डायरनल और कुछ हमारी क्लास में नॉकटर्नल में बैठे हैं उल्लू की तरह कॉक्रोच की तरह रात में जिनकी बत्ती जगती है रात में जब डर लगना शुरू होता है है ना उनको हम लोग बोलते हैं नॉक्टर्नल सो दे आर मोर एक्टिव मोर एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड नॉक्टर्नल मीन्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट आउल कॉकरोच नाइट के वक्त एक्टिव होते हैं ठीक चलिए अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि यहां दिया हुआ है लाइट से रिलेटेड हां जी ये क्वेश्चन दिया हुआ है देखो अमंग रेड ग्रीन एलगी ब्राउन एलगी विच इज लाइकली टू बी फाउंड डीपली ये तो हमने लिख लिया सबसे डीप कौन पाया जाएगा रेड एलगी क्यों बिकॉज ऑफ फाइको बिकॉज ऑफ फाइको ठीक है जी यस yes. पता चल गया रेड एल्गी क्यों लास्ट वाला कौन सा बचा है यहीं से पढ़ते हैं लास्ट वाले सॉइल को soil को बेटा जी ध्यान से देखोगे तो जिस टाइप की सॉइल होती है ना वैसे ही वहां प्लांट्स होते हैं द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेस वेरी अल सेम तो नहीं है वी हैव लोमी सॉइल क्ले सॉइल पोरसॉइल ये सब सारी सॉइल्स है इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट ट्री एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट है, है, है कि और और हाँ ये सारी बताएंगी की नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल उस जगह पर कैसा है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल आज की सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसा है उसके अंदर जो दाने हैं ग्रेन का साइज कैसा है

टाइप ऑफ एनिमल जिस टाइप के प्लांट रहेंगे, रहेंगे ना दैट कैन बी सपोर्टेडिकवाइवर अब अक्वाटिक में देख लो ये देखो एक तरीके से ये है, है. अब यहां पर कौन से बेन्थिक एनिमल हैं या रहेंगे वो कौन चीज डिटर्मिन करेगी इस ग्राउंड में जो सेडिमेंट प्रेजेंट है ना दैट विल डिटरमिन कि वहां पर कौन से ऑर्गेनिज्म सपोर्ट हो पाएंगे यही लाइन बेटा जी यहां पर लिखी है एक्वाटिक में सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर क्लियर कि सेडिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है वो बताएगा कौन बताएगा वो बताएगा तो सॉइल हुआ यहां पर डन सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द एबायोटिक फैक्टर चार ही करने थे ना टेम्परेचर वॉटर लाइट सॉइल अब इसका सेकेंड पार्ट बस सेकेंड पार्ट ही बचा है दैट इज दैट इज रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर बेटा मैं सोच रही हूं कल से आपकी कक्षा का जो टाइम है वो चेंज कर दिया जाए एंड टाइम को चेंज करके कर दिया जाए दोपहर में तीन बजे क्या कहते हो क्या कहते हो थ्री ओ क्लॉक बाय नो आई एम थिंकिंग ताकि हम जल्दी फ्री हो जाए ताकि आपके पास स्पेशल क्लास के लिए काफी टाइम रहे क्या आपने मिरर क्लास में एनरोल कर लिया इस क्लास ये जो पिन की हुई है हैव यू एनरोल किया कि नहीं किया क्या इस क्लास में एनरोलमेंट हो चुका है या नहीं हुआ है बताओ बेटा <coughs> अगर आप कहते हो तो मैं तो रीड करा के चली जाती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ लिख लिख के कराने की कोई जरूरत नहीं है

जो मेटाबॉलिज्म है वो कुछ टाइम के लिए पॉज कर देते हैं सस्पेंड कर देते हैं ठीक है जी तो चार चीजें कर सकते हो या तो अपने अंदर चेंज ले आओ करके या फिर बेटा या तो अपने अंदर कांस्टेंट रखो करके या फिर अपने अंदर चेंज ले आओ बाहर 20 है तो मैं भी 20 हो जाता हूं बाहर 100 डिग्री है तो मैं भी 100 डिग्री हो जाता हूं दैट इज कॉन्फर्म या तो जगह छोड़ के चले जाओ या फिर अपना मेटाबॉलिज्म क्या कर दो बिल्कुल रोक दो सस्पेंड कर दो तो वन बाय वन मैं आपको समझाने वाली हूं फर्स्ट वन से शुरू करते हैं एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रेग्यूलेट पता नहीं क्या दिक्कत है बेटा अब मैं करके लाऊंगी में क्या है कि आप अपने अंदर का एनवायरमेंट बिल्कुल कांस्टेंट रख रहे हो नो मैटर बाहर ठंडी है गर्मी है बारिश है बाढ़ आ रही है जो भी चल रहा है योर इंटरनल एनवायरमेंट इज कांस्टेंट एनवायरमेंट यानी कि

ऐसा क्यों हुआ कि तुम तुम बाहर चेंज होता रह, जा रहे हैं बाहर ठंडी हो रही है गर्मी हो रही है बट आपका इंटरनल एनवायरमेंट क्यों कॉन्स्टेंट ब्लडेड में ब्लड मिक्स नहीं होता एनर्जी ज्यादा जनरेट होती है एनर्जी ज्यादा तो आप कर पाएंगे काम है ना यस यानी कि दे कैन मेंटेन वैसे बात कर चुके हैं इसमें मेंटेन इंटरनल एनवायरमेंट बाय होमियोस्टास ठीक है होमियोस्टेसिस ठीक है जी यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर इसको डिस्टर्ब नहीं कर दे कर सकते डू नॉट अलाउ डू नॉट अलाउ ओहो देख रहे हो क्या हो रहा है डू नॉट अलाउ एक्सटर्नल फैक्टर To disturb. कौन कौन करेगा जिसके पास प्रॉपर फोर चेंड हार्ट होगा जैसे मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाती हूँ लुक एट दिस ग्राफ दिख रहा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट यह आपका एक्सटर्नल लेवल है ये आपका इंटरनल लेवल है अगर तुम यहाँ ध्यान दोगे रेगुलेटर्स पे ध्यान दो ये रेगुलेटर वाला बता रही हूं मैं रेगुलेटर में एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है बढ़ रहा है लेकिन इंटरनल लेवल इसी जगह पे रुका हुआ है ये है रेगुलेटर्स हम लोग हैं रेगुलेटर हमारा इंटरनल टेम्परेचर इंटरनल एनवायरमेंट सेम रहेगा चाहे आप एक्सटर्नली कहीं भी चले जाए कैसे भी टेम्परेचर में चले जाए आपके अंदर की बॉडी का टेम्परेचर पीएच एवरीथिंग विल रिमेन सेम तो आप लोग क्या हुए हुए. अब इनको देखो ये कॉनफॉर्मर है कॉन्फॉर्मर क्या होते हैं जो जैसे जैसे एक्सटर्नल बदल रहा है वैसे वैसे इंटरनल भी बदल रहा है है ना यस प्लांट्स प्लांट्स मोस्टली हमें छोड़ के हमें और बर्ड्स को छोड़ के नाइनटी नाइन परसेंट एनिमल्स क्या है कॉनफॉर्मर्स अब आपने लिजर्ड को नहीं देखा uh, क्या कहते हैं हाइबरनेट करती है ना सर्दी से टॉलरेट नहीं होती है तो क्या करने चली जाती है हाइबरनेट कुछ लोगों से गर्मी टॉलरेंट नहीं हो जाती क्या करने चले जाते हैं हम भी हो जाते हैं क्या कि गर्मी आ गई है छह महीने कुंभकर्ण की तरह सर्दी आ गई रजाई के नीचे मिलेंगे नहीं वी कीप ऑन बिकॉज़ हमारे अंदर ये सारे चीजें कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है कॉन्फार्मर्स और कुछ ऑर्गेनिज्म देखो पार्शियल रेगुलेटर पार्शियल रेगुलेटर माने कुछ समय तक तो इनके पास एनर्जी थी रेगुलेट कर रहे थे उसके बाद बेटा एनर्जी खत्म होगी इन्होंने भी कॉन्फॉर्म करना शुरू कर दिया इस ग्राफ को आप इधर से पढ़ोगे ठीक है यहां से कुछ समय तो रेगुलेट कर रहे थे लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी खत्म तो ये भी कॉन्फॉर्म कर गए कॉन्फॉर्म कर गए ठीक है तो ये हो जाएंगे मेरे पार्शियल कॉन्फॉर्मर्स पार्शियल रेगुलेटर्स ठीक है ओके लेट मी जस्ट पुट इट हेर तो रेगुलेट हो गया कॉन्फॉर्म कर लेते हैं फॉर्म कॉन्फॉर्मर्स कॉन्फॉर्मर्स क्या हो जाएंगे चेंज इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल बताओ इनमें होमियोस्टा होगा कि नहीं होगा नहीं होगा होम्योस्टासू बी एबसेंट ठीक है कौन है इस कैटेगरी में ऑल प्लांट्स नियरली ऑल प्लांट्स एंड हमें छोड़ के हमें बॉर्ड्स को छोड़ के 99% एनिमल्स क्या हैं कॉन्फॉर्मर्स हैं एक बच गया पार्शियल रेगुलेटर वाला पार्शियल रेगुलेटर जिनके पास एनर्जी है तो लेकिन कम है ये कैसे हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट अप टू अ सर्टेन लिमिट दे रेगुलेट दे रेगुलेट एंड देन एनर्जी खत्म दे कंफर्म फिर बेटा ये भी क्या हो जाते हैं कॉन्फॉर्मर्स बन जाते हैं समझ गए बेटा मिरर क्लास इस क्लास के बाद होगी साढ़े छह बजे सिक्स थर्टी का टाइम है सिक्स थर्टी का टाइम है ओके <coughs> okay. अब ये तो दो तरीके हो गए बच के निकलने के लिए डिपेंड टू वेरियस एबायोटिक फैक्टर तीसरा तरीका क्या है छोड़ के चले जाओ जगह बहुत गर्मी लग रही है चलो मनाली चले हैंडल ही नहीं हो रहा मनाली चलते हैं यानी कि मैं जस्ट एक्जाम्पल बता रही हूँ हमें मनाली जाने की जरूरत नहीं है हम अगर दिल्ली में भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत आने नहीं वाली बट लोग वैसे ही चले जाते हैं तीसरे नंबर पर आता है माइग्रेशन माइग्रेट कर जाओ चले जाओ ठीक है मूव अवे फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो दूर चले जाते हैं फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेट एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हे इज साइबेरियन क्रेन अरे हाँ जी कहा आती है बेटे साइबेरिया जहां पर बहुत ठंडी है वहां से ट्रैवल करके आती है किओलाडो नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है ये पीवाई क्यू में भी आ चुका है ये साइबेरियन क्रेन कहाँ पर आती है किओलाडो नेशनल पार्क आती है जो कि कहाँ पर है इन भरतपुर राजस्थान साइबेरिया में बहुत ठंड होती है ना तो जब वहां ठंडी का समय होता है तो अपनी ठंडी काटने के लिए बहुत ठंडी से बचने के लिए ये आती है भरतपुर राजस्थान के किओलाडो नेशनल पार्क में इमिग्रेशन दो तरीके की हो सकती है या तो बेटा कोई आ रहा है या फिर कोई जा रहा है जब कोई आ रहा होता है उसको बोलते हैं इमिग्रेशन यानी कि इंडिया में अगर साइबेरियन क्रेन आई तो इमिग्रेट करी इमिग्रेशन यानी कि कोई जा रहा है ई फॉर इमिग्रेशन ई फॉर एग्जिट ऐसे याद कर लेना एग्जिट माने इमिग्रेशन ठीक चलिए चौथा चलते हैं लास्ट मेथड जिससे हम अडेप्ट करते हैं दैट इज का मतलब होता है अपनी अपनी एक्टिविटी अनफेवरेबल कंडीशन में रोक देना कि मैं तो चला सोने वही कुंभकरण वाला दैट इज सस्पेंड कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेटाबॉलिज्म को रिएक्शन को पॉज लगा दे ठीक है दैट

आपने देखा होगा बैक्टीरिया फंजाई एलगी कैसे पॉज करते हैं स्पोर्स बना के अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं ना तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है फिर उसको फिर स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं ऐसा कौन कर रहा है बैक्टीरिया कर रहा है एलगी कर रहा है फंजाई कर रहा है तो सस्पेंड हो गया जब तक स्पोर बनाया सस्पेंड हो गया प्लांट भी तो रुक जाते हैं थोड़ी दिन के लिए प्लांट क्या करते हैं अपने सीड को बोलते हैं कि भाई तू क्या हो जा डोरमेंट हो जा डोरमेंसी कि जर्मिनेट मत कर अभी अभी अनफेवरेबल कंडीशन है फ्लावर्स को क्या करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे कि कॉम्स बने बने राइजोम ठीक है तो ये भी सस्पेंड का एग्जांपल है हाइबरनेशन विंटर स्लीप बियर करता है ना विंटर स्लीप जब बहुत ठंड है हैंडल नहीं हो रहा है तो चलो सर्दियों में सोने चलो एस्टिवेशन स्लीप जिससे गर्मी हैंडल नहीं होती वो गर्मी में सस्पेंशन पे चला जाता है दैट इज समर स्लीप कौन कर रहा है ऐसा फिश एंड स्नेल कर रहे हैं ठीक यस yes. और वेरी इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आ सकता है जो कि न्यू चीज है नंबर फिफ्थ पे डायापॉज क्या है डायापॉज डायापॉज कौन करता है बाइजू प्लैंग दे सस्पेंड देअर मेटाबॉलिक एक्टिविटीजू प्लैंगटॉन क्या करते हैं पॉज कर देते हैं दे सस्पेंड देर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक है तो ये चार चीजें हो गई दिस इज हाउ यू अडप्ट आइडर यू रेगुलेट अपने अंदर कॉन्स्टेंट रख लो होम्योस्टैसिस करके और यू कॉन्फर्म चेंज करते जाओ बाहर के हिसाब से और यू माइग्रेट जगह छोड़ के चले जाओ या फिर बेटा चौथी चीज आप सस्पेंड कर लीजिए अपनी मेटाबॉलिज्म को कुछ समय के लिए रोक लीजिए ठीक है रोक लीजिए लेट मी शो यू ये देखिए रेगुलेट कॉन्फॉर्म माइग्रेट सस्पेंड दिख रहा है नंबर वन रेगुलेट में क्या कर रहे हैं जिनके पास होमियोस्टेसिस है वो अपने अंदर का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं यानी कि दे आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म किस मैकेनिज्म से करेंगे द मैकेनिज्म मैकेजम्ड मोस्ट बाई मोस्ट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर सिमिलर टू द वंस दैट वी ह्यूमन यूज हम लोग जैसे करते हैं प्रॉपर सेपरेशन करके uh, oxygenated और ब्लड की वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी वी स्वेट प्रोफ्यूजली देखो हमारे अंदर देखो सिस्टम कैसा चल रहा है अब मैंने बोला मैं रेगुलेट कर रही हूँ कैसे कर रही हूं लो टेम्परेचर बाहर पचास डिग्री चला गया तो मेरी बॉडी क्या करेगी थर्टी सेवन पे अब बाहर पचास है तो हम लोग स्वेटिंग करेंगे ताकि एक्स्ट्रा हीट जो है वो लूज हो जाए द रिजल्टिंग इवेपोरेटिंग कूलिंग जब पसीना आएगा तो इवेपोरेशन होगी ठंडी आएगी वैपोरेटिव कूलिंग सिमिलर टू वट द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन जैसे हम लोग घर में कूलर नहीं चलाते वो भी तो इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट काम करता है आपको पता है ना कूलर की दीवारों में हवा आती है पानी आता है हम कूलर में पानी भरते हैं फिर पंप उसको, उसको उसके गेट में जो फूस भरी होती है उसको गीला करता है फिर वेपोरेशन से बेटा ठंडी हवा हमें देता है वैसे हमारी बॉडी भी स्वेटिंग करके रेगुलेट कर लेती है अब अगर मान लो आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर थर्टी सेवन है बाहर हो गई बहुत ठंडी तो तुमको क्या करना है अपने आप को बचाना है हीट लॉस से तो क्या करोगे शिवर करना स्टार्ट कर दोगे शिवर से यू विल काइंड ऑफ प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट लो टेम्परेचर प्लांट्स ऑन दी अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर हमारे पास तो होता है लेकिन प्लांट्स के पास बेटा जी मैकेनिज्म नहीं है नेक्स्ट आता है कॉन्फॉर्म कॉन्फॉर्म बेटा मोस्टली 99% एनिमल्स और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कर लेते हैं कि भाई हम तो हाथ खड़े कर रहे हैं तुम जैसा बोलोगे वैसे कर लेंगे तुम बोलोगे सौ पे आना है हम सौ पे आ जाएंगे तुम बोलोगे दस पे आना है हम दस पे आ जाएंगे

रेगुलेटर का मतलब है आप अपने अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पा रहे हो थर्मोरेगुलेशन रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव सबके बस का नहीं है दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज हमिंग बर्ड्स हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया ये मैं अभी लिखवाऊंगी ये मैं रूल लिखवाऊंगी अभी रुक जाओ दिस आई विल टेल तब तक माइग्रेट पढ़ो वो भी अगले वाले में आ जाएगा माइग्रेट में बेटा जी अनफेवरेबल कंडीशन को छोड़ के फेवरेबल वाले में जा चुके हैं एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, है।, है स्पोर बनाकर हाइबरनेट करके एस्टिवेट करके और, और बेटा जी डायपोज शो करके ये लिखा हुआ कौन करता है जू प्लांट स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ठीक है जी पता चल गया पता चल गया अब थोड़ा सा अडेप्टेश के बारे में एंड देन वी विल बी डन विद दिस थक तो नहीं थक तो नहीं गए बेटा कि कैसे अडेप्ट कर रहे हैं चेंजेस क्या कर रहे हैं बाहर तो एक्सट्रीम एनवायरमेंट होता जा रहा है हाउ आर यू एक्चुअली अडेप्टिंग यस चेंजेस टू कोप अप विद चेंजेस टू कोप अप विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट ठीक है अब कुछ चेंजेस तो हैं जो hereditary हैं, कुछ है जो hereditary कि हेरिडिटरी है कुछ अडेप्टेशन है जो कि हेरिडिटरी होंगी यानी कि जेनेटिकली फिक्स्ड है ऐसा ही होता है कुछ है विच डू नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू नेक्स्ट ठीक है बहुत सारे तरीके की अडेप्टेशन हो सकती हैं मॉर्फोलॉजिकल मैं सबका एग्जाम्पल बताऊंगी जैसे एग्जाम्पल दू डेजर्ट में जो पत्ती थी प्लांट की पत्ती थी वो तो थॉर्न बन गई है मॉर्फोलॉजी चेंज कर ली ना उसने पहले पत्ती ब्रॉड सी दिखती थी अब वो कांटा बन चुकी है ताकि ट्रांसपिरेशन ना होनाटमिकल अंदर चेंज कर सकते हैं जैसे कि क्रांस एनाटमी फिजियोलॉजिकल जैसे हमने पसीना निकाला ठीक है बिहेवियोरल बिहेवियोरल यानी कि जैसे आई हैड प्रॉब्लम विद सन तो मैं शेड में जाके बैठ गई ठीक है तो दैट इज बिहेवियर मैंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया अब इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बताना है कौन सी टाइप के अडेप्टेशन इनमें होती है पहला एग्जांपल बेटा मैं करने वाली हूं कैंगरू रैट का बेटा मैंने नहीं बोला तो किसी बच्चे ने नहीं किया क्या नहीं किया बताओ मैंने नहीं बोला तो किसी बच्चे ने नहीं किया सेशन को लाइक इज वेरी बैड जितने बच्चे इस समय प्रेजेंट है सब बच्चे सेशन को लाइक करो फटाफट से करो ना नहीं किया नहीं किया <coughs> कर दो फटाफट से लाइक मुझे क्यों नहीं दिख रहा लेट मी रिफ्रेश हाँ जी तो मैं फटाफट से बता देती पहला है रैट देखिए सेंग्रो रैट की बात करें ये तो डेजर्ट में मिलता है अब डेजर्ट में पानी की कमी होती है तो ये क्या करता है पानी पीता ही नहीं है पीने के लिए है ही नहीं तो अपनी ही बॉडी का फैट ऑक्सीडाइज करके जो मेटाबॉलिक पानी में निकलता है उसी पे सर्वाइव करता है ठीक है फॉर्म्स मेटाबॉलिक पानी मतलब अपनी बॉडी में रिएक्शन करके पानी बनाता है बाय ऑक्सीडाइजिंग फैट क्योंकि इसको पानी बाहर से तो मिलता नहीं है ठीक है और क्या करता है कंसंट्रेटेड यूरिन निकालेगा बताओ ये कैसा एडेप्टेशन है क्या इसने अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज की क्या अंदर का टिश्यू यानी कि एनाटॉमी चेंज की क्या इसने अपना बिहेवियर चेंज किया या इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज आए फिजियोलॉजी समझ गए ना इंटरनल फंक्शनिंग तो ये जो चेंजेस यहाँ लिखे हैं ये कैसे चेंजेस है फिजियोलॉजिकल चेंजेस है फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं ठीक है जी यस नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बेटा जी हम लोग करने वाले हैं डेजर्ट लिजर्ड डेजर्ट लिजर्ड कैसा अडॉप्टेशन शो करती है डेजर्ट लिजर्ड बिहेवियरल अडॉप्टेशन शो करती है ये क्या करती है बड़ी बड़ी बेसिक सी बात करेगी हाई टेंपरेचर होता है तो बेटा छांव में चली जाती है गर्मी लगती है लो आ, क्या कह रहे हैं

ठीक तीसरे में हम लोग एग्जाम्पल करने वाली हैं ओपंशिया की ओपंशिया समझ गए ना डेजर्ट प्लांट कैक्टस <laughs> अब कैक्टस में तीनों तरीके की अडेप्टेशन हम देखेंगे मोर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल का जस्ट अभी एग्जाम्पल बताया था यस बताना कैक्टस में मॉर्फोलॉजी कैसे चेंज हो रही है बड़ा सिंपल है कैक्टस में जो पत्ती है वो तो कांटा बन जा रही है लीफ लीफ इनटू इनटू स्पाइन ताकि ट्रांसपेरेशन ना हो दूसरी चीज बेटा क्या बन रहा है फाइलो क्लैड डू यू रिमेम्बर ये भी न्यू वाले सिलेबस में था स्टेम मॉडिफिकेशन है स्टेम मॉडिफाई होके मोटी होके फोटोसिंथेसिस करती है बन जाता है ये मैंने आपको कराया था अभी ताजा ताजा स्टेम मॉडिफाइज फॉर फोटोसिंथेसिस क्योंकि पत्ती तो है नहीं पत्ती तो कांटा बन चुकी है तो किसी से तो फोटोसिंथेसिस करानी है तो स्टेम से कराएंगे एनाटॉमिकल में क्या है संकन टोमेटा टोमेटा धसा दो और थिक क्यूटिकल लगा दो तो ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो फिजियोलॉजिकल में क्या है कैम क्या साइकिल चलाओ कैन साइकिल चलाओगे तो बेटा जी सर्वाइवल आसान हो जाएगा याद है दार के एसिडिफिकेशन करते थे ये तो बहुत ताजा ताजा हमने पढ़ा है तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा ठीक है गलत नहीं होना चाहिए अच्छा अब चलो बेटा ठंडी में ठंडी में क्या अडेप्टेशन होती हैं हाई ऑल्टीट्यूड बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ यही बेसिक चीजें लिखी है एनसीआरटी में तो वही बताएंगे और अल्टीट्यूड क्या करेंगे जब हम ले लद्दाख जाते हैं आप जानते हैं एक दिन तो एडजस्ट होने में लगता है खूब उल्टी उल्टी आती है वहां पर पहले दिन क्योंकि आप अचानक से बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे चल जाते हो प्रेशर हो जाता है लो और इतने लो प्रेशर को बॉडी हैंडल नहीं कर पाती तो जो अगर लंबे समय तक आप वहां रहेंगे तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जातेगा आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज यानी कि अगर कम भी प्रेशर है तो भी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का हो जाएगा और क्या होगा इंक्रीज ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग बढ़ जाती है ठीक है ब्रीदिंग बढ़ जाती है एंड रिड्यूस द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन अगर बाइंडिंग कैपेसिटी प्यार हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का ज्यादा होगा ना तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं और छोड़ना बहुत जरूरी है तभी टिश्यू तक जाएगा यानी कि रिड्यूस्ड बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद किसके साथ ऑक्सीजन कम होनी चाहिए प्यार कम होना चाहिए तभी वो उसको छोड़ेगा नहीं तो छोड़ेगा ही नहीं ठीक है देन बेटा जी दी हुई आर के बैक्टीरिया अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आर के बैक्टीरिया कहा मिलते हैं तुमने बोला आर के बैक्टीरिया मिलते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में कहा मिलते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग में यानी कि अराउंड एट्टी हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उनके पास स्पेशल टाइप की सेल सेल्वॉल और स्पेशल टाइप की सेल वॉल है ये हमने पढ़ा हुआ है ठीक है सेल वॉल की वजह से सेल मेम्ब्रेन की वजह से देन पोलर सील्स सील मैमल होते हैं पोलर सील इनके पास क्या प्रेजेंट होता है ब्लबर होता है ब्लबर क्या होती है फैट की लेयर होती है थिक लेयर ऑफ फैट ये थिक लेयर ऑफ फैट बेटा जी प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉ क्या कह रहे हैं इनको जो हीट है वो इनकी बॉडी में ही रहे और ठंडी में सर्वाइव कर पाए ठंडे ठंडे पानी में सर्वाइव कर पाए तभी नाम है पोलर सील काफी ठंड में रहती है देन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक फ्री फिश जो बहुत ठंडे पानी में रहती हैं इनके पास क्या है इनके पास एंटी फ्रीजिंग सोल्यूट है ये फ्रीज ना कर जाए इसीलिए इनके पास है एंटी फ्रीजिंग सोल्यूट किसके पास क्या है बेटा यही याद रखना है देन बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डीप सी रहते हैं सी ऑर्गेनिज्म इनको क्या दें इनके पास ऐसे बायोकेमिकल्स हैं पान के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा है तो प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए दे हैव बायोकेमिकल व्हिच विच प्रिवेंट जी क्या प्रेशर हाई प्रेशर चलो मेरे बच्चों ठीक है डप्ट कर लिया अब कुछ रूल्स बताने वाली हूं अब कुछ रूल्स बताने वाली हूं दो रूल बताऊंगी एक का नाम बड़ा फेमस है और एक नया सा नाम है रेडी पहला रूल दैट इज कॉल्ड एज आल रूल नाम तो सुना होगा भाई ठीक है अभी आलन रूल क्या कहता है वही जो मैंने छोड़ा था ना उस पॉइंट को यहां पर मैं टेक ओवर कर रही हूं ये कह रहा है कि जो छोटे एनिमल्स हैं या मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूं ऐसे मैमल्स इन कोल्डर इंपॉर्टेंट है बेटा मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट हैव स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज कोल्डर क्लाइमेट है मतलब कह रहे हैं कि जो एनिमल्स ठंडे ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके जो एक्सट्रीमिटीज है जैसे कान हो गया नाक हो गया हाथ हो गया बड़े छोटे छोटे होंगे लिम्स हो गए छोटे छोटे होंगे बाय क्योंकि अगर ये चीज बड़ी कर देंगे ना तो उनका हीट लॉस बहुत ज्यादा होगा हीट लॉस ये फिंगर से आपके कानों से काफी होता है अगर आप देखेंगे तो ठंडी में बेटा कान भी एक बार के लिए गर्म टाइप हो जाते हैं हीट लॉस हो रहा होता है यहां से है ना तो कह रहे हैं कि जो मैमल्स ठंडी के इलाके में रहते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज ये उंगलियां ये कान ये सब छोटे छोटे रखेंगे ताकि हीट लॉस क्या हो कम हो इसी को बोला जाता है एलेंस रूल एलेंस रूल जैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे जो छोटा एनिमल होगा यानी कि स्मॉल एनिमल होगा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या होती है हाई होती है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हाई होती है ठीक है तो इसका हीट लॉस फास्ट होगा इसका हीट लॉस क्या होगा फास्ट होगा छोटे एनिमल का लेकिन अगर यही लार्ज एनिमल है मेरे पास लार्ज एनिमल है मेरे पास तो इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या रहता है लो यानी कि इसमें हीट लॉस होगा लेकिन स्लो होगा एज कंपेयर टू स्मॉल एनिमल ठीक है ये अगली चीज आपको याद रखनी है पहली चीज मैंने आपको क्या बताई एलन रूल बताया एलन रूल कहता है कि जो ठंडे इलाके में एनिमल्स हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज हमको क्या रखनी है छोटी छोटी रखनी है ताकि हीट लॉस क्या हो कम हो दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि जो छोटा एनिमल है उसमें हीट लॉस क्या होता है फास्ट होता है और जो ओवरऑल एनिमल जिसका सरफेस एरिया टू तो वॉल्यूम रेशो क्या है लो है यानी कि सरफेस एरिया टू तो वॉल्यूम रेशो क्या है लो उसमें हीट लॉस क्या होता है स्लो होता है एज कंपेयर टू तो स्मॉल एनिमल ये मैंने दूसरी चीज बताई अब तीसरा रूल कराने वाली हूं जिसका नाम है बोर्जमैन रूल बोर्जमैन रूल इसी पर बेस्ड है जो ऊपर मैंने लिखा है ना इसी पर बेस्ड है कि भाई जो ठंडे इलाके में एनिमल है उनका साइज क्या रखेंगे बड़ा रखेंगे क्योंकि अगर बड़ा साइज होगा तो हीट लॉस स्लो होगा ये जो पोलर बियर है बड़ा है छोटा है कितना मोटा ताजा होता है है ना वाई बिकॉज लार्ज एनिमल होगा तो हीट लॉस स्लो होगा छोटे छोटे रख देंगे तो हीट लॉस बहुत फास्ट होगा बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो बर्ज मैन रूल इसी ऊपर डब्बे पर बेस्ड है ये कहता है दैट मैमल्स फाउंड इन क्लाइमेट कोल्डर क्लाइमेट है तो लार्ज साइज का क्या मतलब है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम साइज बड़ा तो रेशो कम साइज छोटा तो रेशो ज्यादा ठीक है तो अगर बेटा कोल्डर एनवायरमेंट में जो मैमल रख रहे हैं उनको लार्ज साइज का रख रहे हैं ताकि इनकी रेशो क्या हो जाए कम तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या है लो हो जाएगी जिसकी वजह से ही जो हीट का लॉस है वो स्लो हो जाएगा yes, मैम गगन की स्टोरी नहीं आप गगन की स्टोरी नहीं सुनाऊंगी बेटा मुझे लगता नहीं है आप तो वो इंटरेस्ट है पढ़ने में ठीक है तो ना मैं किसी को कोई स्टोरी सुनाऊंगी मुझे नहीं पता तुम यहाँ पढ़ने आए हो या इधर उधर भीड़ देखने आते हो या जहां भीड़ है वहीं जाके बैठना है तो यू हैव टू डिसाइड यू हैव टू डिसाइड आप करने क्या आए हैं आपका एम क्या है आपका एम यहाँ नॉलेज लेना है या फिर आपका एम ये है कि जहां नया क्रैश कोर्स शुरू होगा वहीं जाकर मैं पढ़ाई करूंगा तो ठीक है वहीं जाके पढ़ाई कर लो ठीक है जहां पर आपको लगता है कि आपकी जहां ऑल आई इज कि आप अपना समय ना बर्बाद करें जहां पर आपको लगता है आपको सबसे अच्छे से समझ आता है ना वहां से करिए जरूरी नहीं है बेटा डे वन से लिविंग वर्ल्ड से अगर कोई क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है तो मुझे लिविंग वर्ल्ड से ही शुरू करना है है हो सकता है, आपको 11 सारी आती है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग अगर आपको ये नहीं आता तो जो आपका वीक पॉइंट है उसको कवर करें उस हिसाब से ना चलें जो चल रहा है ये छे छे सात सात घंटे के वन शॉट देखना आप, इट्स लाइक वही तीन चार लेक्चर में जो जनरली जो हम एक चैप्टर को डिवाइड करते हैं वही चीज है अब आप रोज आके उसको काट काट के देख लो या फिर आप एक ही दिन में सात घंटे खुद सोचो बेटा एबिलिटी किस में एक स्टूडेंट की और टीचर की ज्यादा आएगी एक टीचर आज के समय पर बारह घंटे खड़े होकर बाईस घंटे खड़े होकर भी पढ़ा लेगा और शायद तुम भी पढ़ लोगे लेकिन तुम्हें समझ और रिटेंशन नहीं रहेगी मेन थिंग इज नॉट कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है मैंने नोट बनाया नहीं बनाया मेन थिंग इज कि आप रिटेन कितनी देर कर पाए कितनी देर आपका माइंड फोकस रहा यहाँ आपका एक घंटे में माइंड बेटा डाउन जाने लगता है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है साइंटिफिकली कि अटेंशन स्पैन किसी का ज्यादा नहीं है तो सात घंटे का लेक्चर आठ घंटे का लेक्चर पांच घंटे का लेक्चर बनाने को बेटा कोई भी बना ले बट तुम उसको नहीं कर पाओगे है ना तो इसीलिए अभी आपके पास समय है अभी आप ब्रेक्स में चीजों को कर सकते हैं जब बेटा समय आता है ना सात घंटे का वो आता है नीट से एक हफ्ता पहले तब लिए जाते हैं कि यार पूरी जोलॉजी पूरी बायोलॉजी पूरी बॉटनी इलेवन यूनिट एक साथ तब बेटा आप में भी अचानक से फोकस बढ़ जाता है और दैट इज अ टाइम जब हम पूरा रिटेन कर पाएंगे अभी नहीं कर पाएंगे ठीक है जी तो जहां से अच्छा लग रहा है पढ़िए लेकिन जिसको भी चूज करते हैं ना जिसको भी चूज करते हैं ये जरूर याद रख लेना ये वाला डायग्राम जरूर याद रख लेना भूलना नहीं इसको ठीक है कि कौन सी सीढ़ी चढ़नी है ये एक दिन आके दस घंटे पढ़ना है जो तुम कर रहे हो जो तुम कर रहे हो आते हो एक दिन दस घंटे पढ़ लेते हो पांच घंटे पढ़ लेते हो अगले दिन गायब मैं पर्सनली बेटा बिलीव करती हूँ कंसिस्टेंसी पे आपने मुझे जनरली नीट के एक महीना पहले तक मतलब इन होल इलेवन नेवर सी मी टेकिंग बिग आवर 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 और और सेशन इट मीन की आई कैन नॉट इट मीन्स की बेटा दैट इज नॉट कंसिस्टेंसी मैं एक दिन आऊंगी मैं आपको एक हफ्ता एबसेंट अच्छा दिखूंगी जो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं करूं मैं हर दिन आना चाहती हूँ और हर दिन बेटा आपके साथ रूबरू होकर आपको पढ़ाना चाहती हूँ सो आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी हम तोड़ तोड़ के करेंगे लेकिन पूरा करेंगे तरीके से करेंगे वो तरीका सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है तो अब आप अपना चूज कर लो आपको इंटेंसिटी अच्छी लगती है इंटेंसिटी भी चल रही है मार्केट में आप उसको फॉलो कर लीजिए लेकिन जो बेनिफिट कर रहा है उसी को करिए अगर वो बेनिफिट कर रहा है बिल्कुल करिए मुझे लगता है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर है तो मैं कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रही हूँ तो आप अपना बेस्ट चूज करो और उस पर लग जाओ क्योंकि अब समय नहीं बचा तो छह बजे क्लास चालू हो जाएगा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन जिसने ज्वाइन नहीं किया है मैंने चैट सेक्शन में कुछ को यहां दिख रहा है कुछ को यहाँ दिख रहा है चैट सेक्शन में क्लास को पिन किया हुआ है प्लीज इस पे क्लिक करिए और एनरोल का बटन दबा दीजिए एनरोल नहीं दिख रहा तो नोटिफाई मी कर लीजिए अगर आपको इसमें मांगता है कोड तो कोड है बेटा जी सीप मेरा नाम है और आगे लगा देना लाइव वैसे कोड मांगता नहीं है बट मांगेगा तो डाल देना दिस इज द यू नो कोड जिससे आप ये फ्री क्लास अटेंड कर पाएंगे ओके okay जी चलिए तो मेरा टेस्ट मिलते हैं साथ ही में जानते हैं कि एथ एनिवर्सरी में बेटा बहुत बड़ा तोहफा है तोहफा है कि ऑफ एंड मंथ्स का एक्सटेंशन इज बैक आप कोड लगाइएगा सीप लाइफ आपको दोनों ऑफर वैलिड हो जाएंगे 2024 और 2025 के सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत सारे क्रैश कोर्स भी बेटा आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे जाइए देखिए इस क्रैश कोर्स में भी ऑफर <coughs> के लिए कोड क्या लगाना है सीप लाइफ एंड बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज पीवाई क्यूज की डेली थर्टी क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी चल रही है स्कैनर आपको यहाँ पर दिया हुआ है अब कल हम क्या शुरू कर रहे हैं कल बेटा जी हम लोग शुरू कर रहे हैं रिज्यूम कर रहे हैं आई वुड से हमने शुरू तो कर लिया था रिज्यूम कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो आना लेक्चर पूरा अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है इसमें मैथ्स लगता है तो आई विल सी यू टुमारो एट अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक भी कर दो कर नहीं रहे हो फटाफट से सेशन को लाइक करो एंड कमेंट जरूर करके जाना क्योंकि आज हमारी ये प्लेलिस्ट ना पूरी हो गई है ये मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी ना दिस वन

देख सकते हैं ठीक है रिवाइज कर लेना यहाँ से टू एक्स की स्पीड पे देख के निपटा दो कल मिलते हैं प्लांट फिजियो रिज्यूम करते हैं थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर कल नहीं साढ़े छह बजे मिलेंगे टेस्ट टेस्ट के साथ। मिस नहीं करना उस टेस्ट को। बाय बाय आधा घंटा है खा लो पी लो अपना रेस्ट कर लो